1 लाख रुपए और 11,000 रुपए की राशि से आज कन्यादान किया है। 52,000 के 240 कन्यादान पहले कर चुके हैं, ये 254 हो गए टोटल। अच्छा हाँ। लग रहा भैया बहुत, कभी सोचा नहीं था ऐसा कभी होएगा हमारे साथ। अच्छा। ऐसे ही करते रहे तो गरीब नहीं रहेगा, ये समाज बहुत आगे बढ़ेगा। कन्हैया है, कन्हैया आए हैं हमारे लिए। आपके पास दिल है तभी तो ये आगे चल रहा है ना, इसलिए तो किसी की मदद कर रहा है। कन्यादान परमात्मा का है हमारा, इसमें हम कुछ नहीं मानते। लेकिन नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल आपके साथ जो स्टोरी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देख करके किसी ना किसी माता बहन या फिर कोई ऐसा आदमी है जो इमोशनल होता है वो हो ही जाएगा, क्योंकि आज एक फरिश्ता आया है जो 1,11,000 रुपये का कन्यादान एक ऐसे परिवार में कर रहा है जो कि शहनाई का या बैंडबाजे का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। इनकी 2 बेटियों की आज शादी है, और बेटी की शादी होती है तब आम घर में, गरीब घर में या सामान्य घर में बड़ी चिंता होती है कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि एक एक चीज़ आपको खरीदनी है तो वो बड़े पैसे से, महंगे पैसे से खरीदी जाती है। बड़ी शादियाँ आज के दिन, आप छोटी शादियों की भी बात कर लें, लाखों रुपए लगते हैं। उनमें से एक फरिश्ता आज निकल करके आया जिसने नज़दीक आए और दिखा दें 1 लाख रुपए और 11,000 रुपए की राशि से आज कन्यादान किया है। कन्यादान की जो प्रथा है हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी वर्षों से, खास करके उत्तर भारत में चली आ रही है। तो आज बात करेंगे, श्याम सुंदर शर्मा जी हैं। शर्मा जी थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ, क्या कहोगे आज बेटियों के लिए, ये शादी है 2 बेटियों की, आपने 1,11,000 की जो शगुन दिया है इनको कन्यादान के रूप में। भाई ये कन्यादान परमात्मा का है हमारा, इसमें हम कुछ नहीं मानते। लेकिन खुशी बहुत बड़ी है कि हमारे को इन बेटियों के कन्यादान में भगवान ने सहभागी बनाया है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसको उतना सामर्थ्य के हिसाब से धर्म कर्म करना चाहिए। अच्छा, तो 1,11,000 का मैंने सुना, इससे पहले आप 50 कन्यादान और कर चुके हैं, ये 51वां कन्यादान था आपका। इस इतने अमाउंट का नहीं, नहीं ये अमाउंट का तो हमारा पहला है। हम 51,000 के 240 कन्यादान पहले कर चुके हैं, ये 254 हो गए टोटल। अच्छा हाँ जी, तो इससे पहले 51,000 रुपये होता था, ये अब की बार 2 बेटियों की शादी है तो आपने 1,11,000 रुपये का दिया है। तो ये कौन सी संस्था के थ्रू आप करते हैं, और आजकल तो इलेक्शन चल रहे हैं तो लोग कहेंगे राजनीति कर रहे हैं। भाई अब लोगों का तो हम क्या बोल सकते हैं, हम तो धर्म के आधार पर चलते हैं, धर्म के अनुसार किया है। और हमारी संस्था हमने एक बनाई हुई है शर्मा समाज सेना के नाम से, उस संस्था के माध्यम से हम ये धर्म के कार्य कर रहे हैं। कौन से काम, जैसे ये कन्यादान है ऐसे आज आपने इनको ये शूट वगैरह डोनेट किए हैं, और क्या क्या काम करते हैं आप? गौ सेवा में हम जितनी भी भिवानी क्षेत्र में 8 गौशालाएँ आती हैं उनमें सेवा दे रहे हैं, और 240 सिलाई सेंटर हमने पूरे भिवानी क्षेत्र में खोल रखे हैं मातृ शक्ति के वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अच्छा। फिलहाल बेटिया क्या नाम है आपका? सपना। सपना पढ़ती भी हैं आप साथ? नहीं जी छोड़ दिया। अच्छा, और आपका क्या नाम है? लता। आज अंकल ने इस तरह से ये आपको जो सम्मान दिया है, रिगार्ड दिया है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगी? अच्छा लग रहा भैया बहुत, कभी सोचा नहीं था ऐसा कभी होएगा हमारे साथ। तो कह सकते हैं फरिश्ते बन के आए हैं शादी में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। पापा तो बैंडबाजी का काम करते हैं? हाँ जी, कोई उम्मीद नहीं थी पर अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल ये जो आज शगुन है इससे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि शादी में आप समझती हैं बेटियां? जी बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा। हाँ जी, आपको भी लगता है? छोटी आप हैं या बड़ी हैं? मैं छोटी हूँ। छोटी हैं? हाँ। तो छोटी को भी समझ आती है पापा की अब सपोर्ट होगी इस तरह से, और इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे लोग समाज में हो तो और अच्छे काम हो सकते हैं, आपको लगता है ऐसे ही दूसरे की मदद हो सकती है? हो सकती है। अच्छा, आप भी पढ़ती हैं या फिर नहीं पढ़ती? मैंने छोड़ दिया। अच्छा, तो पापा की सपोर्ट हुई है आज ये अंकल जो आए हैं? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। हाँ। चलिए फिलहाल क्या कहेंगी आज यहाँ पे, इस तरह से देवदूत कहूँगा इनको, फरिश्ता कहूँगा? हमारा भाई साहब बहुत भाग्यशाली है, सबकी ऐसे ही मदद करता है। अच्छा। हाँ, खूब अच्छी तरह से सबको संभालता भी है, देखभाल भी करता है, किसी को दिक्कत है उसकी परेशानी भी दूर करता है। आपने पहले भी श्याम सुंदर का नाम सुना है? बहुत दिन से इसके साथ है। अच्छा। हाँ, श्याम सुंदर के साथ हम कम से कम 1.5 साल हो गया। तो फिर चुनाव जीता दो, इनको वोटों में खड़ा कर दो, फिर और मदद करेंगे? हाँ करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, खूब जोर। ऐसे लोग राजनीति में भी आने चाहिए, मदद करी आज बड़ी मदद करी है। करांगे भाई, ना क्यों ना करांगे, मर जाते हैं। अच्छा काम करा है श्याम सुंदर? काम अच्छा करा है? हाँ खूब अच्छा करा है। पूरे भिवानी में चर्चाएं होंगी आज तो खूब। अच्छा, कुछ कहोगे? इतने पैसे बड़ी बात हो जाती है सपोर्ट, और एक गरीब परिवार की तो शादी में
बहुत अच्छा काम करे है। हाँ बहुत करा है यो। हाँ अच्छा, हाँ बताओ मगर भगवान आदमी कर सके, बहुत अच्छा करे भैया। बड़ा दिल चाहिए आंटी इस काम के लिए तो, है ना? दिल चाहिए, एक पैसा नहीं छूटता। भाई साहब के पास दिल है तभी तो ये आगे चल रहा है ना, इसलिए तो किसी की मदद कर रहा है, आगे चल रहा है, तो भावना अच्छी है इसकी, बहुत खुशी देता है सबको। हाँ सबकी मनोकामना। परिवार से श्याम सुंदर रेनो, ये बहुत बड़े काम कर रहे हैं। और कन्हैया है, कन्हैया आए हैं हमारे लिए। अच्छा हाँ बहुत अच्छे काम। इस तरह से कोई अनुमान था आपको? हाँ जी। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं तो हर बार कन्यादान में जाती हूँ इनके साथ। हाँ जी। अच्छा। इनके साथ ही हूँ मैं। अच्छा। हर बार जाती हूँ। हाँ। शादी में भी, कन्यादान और कहीं भी कुछ। तो फिलहाल इनके फादर साहब भी हैं आज, ये आपकी धर्मशाला है, यहाँ पे धानक समाज की धर्मशाला है ना, हमें पता लग गया कि ऐसे थोड़ा सा यहाँ आ जाएं जी। क्या काम करते हैं आप? इसी परिवार, इसी समाज से जुड़े हैं आप? हाँ जी, समाज से जुड़े हैं। अच्छा, तो भैया आप ये देखें धानक समाज की बेटी, हालांकि सर्व समाज कैसे बनता है, श्याम सुंदर शर्मा हैं और ये धानक समाज से आते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई दिलों का रिश्ता या फिर सोच का जो गैप होता है वो नहीं है, दिलों का रिश्ता है। और यहाँ पे बिना एक दूसरे की जात देखे, समाज देखे, इन्होंने इस तरह से मदद की है, क्या कुछ कहेंगे? बोल के में बोला है जी, जो इन्होंने मदद करी भगवान की दया, हम तो इनका शुक्रगुजार हैं। हाँ, और बढ़िया काम करते हैं ये समाज के लिए, हमारे लिए भी बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा। जी ठीक है, जैसे आप और हम लोग जिन परिवारों से आते हैं, सामान्य घरों से आते हैं, इतनी मदद, एक शादी में हम 5-10 लाख रुपए खर्चा लगता है, इतनी मदद होती है तो कहीं ना कहीं, एक आप जैसे सहनाई का काम करते हैं, बैंडबाजे का काम करते हैं, मुश्किल से दाढ़ी निकलती होगी, दिहाड़ी आपकी? और दिहाड़ी का ही काम है जिसमें। हाँ। तो दिहाड़ी होती है उसमें, और क्या होता है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि आज एक फरिश्ता आया है शादी में, तो सच में आया? सच में आया जी, सच में आया जी। पहले से अनुमान था कि श्याम सुंदर पहुँचेंगे शादी में? नहीं, पहले अनुमान अचानक से। अचानक। अच्छा, और ये भी सुना है आपसे, इससे पहले 250 शादियाँ और करवा चुके हैं, तो उन घरों में जिसके घर में जरूरत हो ये पैसा पहुंचता है, तो कितना जरूरत होती है उस चीज़? हाँ, बहुत जरूरत होती है जी इसकी, तो बहुत ज़्यादा जरूरत पैसे की, तो बहुत जरूरत होती, होती है जी। अच्छा, तो परिवार में, समाज में कैसी बातें चल रही हैं, लोग कितने खुश हैं ये इस तरह? घने खुश है जी। अच्छा, बहुत है जी। तो जी बड़ा दिल चाहिए ये काम करने के लिए? तो देखो जनाब, ऐसा है, ये मालिक हैं और दवाएलू भी हैं, इतनी दूर से आए हैं ये, तो कोई सोच के आए हुए ना भाई, बच्चों की शादी है, ये 1 लाख बच्चा और कोई है नहीं, लड़की लड़की है, 1,11,000 रुपये बहुत बड़ा समझता मुझे जी। इनकी संस्था को भी और इनको भी। श्याम सुंदर जिंदाबाद। बड़ी बात होगी फिलहाल, ये कहीं ना कहीं बात करें हम, पैसा गरीब आदमी जुटाता है, कोशिश करता है कि यहाँ से कर्ज मिल जाए, यहाँ से उधार मिल जाए, आज ये पैसा ऐसा आया है। हालांकि कन्यादान एक ऐसी मुहिम थी कि पुराने वक्तों में समाज ने मिलकर चलाई थी, तो ऐसी सपोर्ट मिलती है तो आसान हो जाता है, अन्यथा तो आपको कर्ज उठाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल जी, कर्ज उठाना पड़ता और कर्ज वो सिर भी होता। अच्छा, आज ये इन्होंने कराया है, आज मेरे पास कोई पैसा सिर नहीं है जी। अच्छा, ये इनकी देन है, बहुत बढ़िया बात है। चलो, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, क्या कुछ कहोगे आज इस परिवार में पहुँचे हो, आप लोग भी देख रहे हो सारा, भाई साहब के साथ रहते हो? भाई साहब का तो देखो ऐसा है, जहाँ भी जरूरत होती है भाई साहब पहुँच जाते हैं, और इन सब कामों के लिए मैं तो यही कहूँगा, एक बहुत बड़े दिल की ज़रूरत होती है। पैसा होना ना होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता, सबसे पहले तो ये है कि उसको खर्च करने के लिए या किसी को देने के लिए एक बहुत बड़ा दिल है, और वो दिल भगवान ने भाई साहब को दिया है। जहाँ भी ज़रूरत होती है, चाहे वो गौशाला हो, चाहे कहीं मंदिर की बात हो, चाहे वो किसी गरीब आदमी की सहायता करने की, ज़रूरतमंद आदमी की सहायता करने की बात हो, चाहे वो किसी के घर में भोजन मुहैया कराने की बात हो, चाहे वो किसी हमारी बहन बेटी या किसी भी समाज की बहन बेटी की ब्याह शादी की बात हो, तो हर एक काम के लिए भाई साहब हमेशा तत्पर रहते हैं। और हम तो धन्य मानते हैं अपने आप को कि हमें बड़े भाई के रूप में भाई श्याम सुंदर जी का आशीर्वाद मिला, तो मैं इनकी सोच को और इनको कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद जी। क्या कहोगे? भाई साहब सुंदर साहब भाई आए हैं और इनका बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ मैं, तो इनने इतनी मदद करी है गरीब की बेटी, ऐसे ही करते रहे तो गरीब नहीं रहेगा, ये समाज बहुत आगे बढ़ेगा। समाज में मिलके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इतना बड़ा दिल तो? हाँ जी, बहुत बड़ा दिल चाहिए जी, जिस तरह हमारे सुंदर भाई का है, और मैं ये पूरी उससे कहती हूँ
के सुंदर भाई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इमोशनल हो गई, ये तो देखो इनके आंखों में आंसू हैं। और क्या कहोगे आंटी आप भी यहीं से हो? जैसे सुंदर भाई जी ने कराया बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया किया इसने बहुत। तो फिलहाल देखा आपने, मैंने एक शब्द यूज किया, इस्तेमाल किया, शायद आप लोग अपनी तरफ से अपने दिमाग में जो बातें रखते हैं लिख सकते हैं। फरिश्ता क्या आपको लगता है, क्योंकि इतने पैसे मेरे हिसाब से, मैंने एक दो वीडियो पहले भी दिखाई है, कुछ लोग हैं जो समाज सेवा के नाम पे समाज सेवा करते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो सच में समाज सेवा करते हैं, दिल से समाज सेवा करते हैं। ये पैसे कमाने के लिए, ये भी मैंने सुना है कि इनका ट्रांसपोर्टेशन का काम था, बड़ी मेहनत लगती है एक एक पैसा जोड़ने के लिए, लेकिन उससे बड़ा दिल चाहिए 1,00,000 रुपये एकदम से टक, यानी इस तरीके से निकालने से। और यहाँ से देखिए ये नारे लग रहे हैं भाई, फिलहाल बच्चे देख रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, इससे समाज में एक मैसेज जाएगा, आने वाले वक्त में श्याम सुंदर की तरह आप लोग भी बने, इसलिए हमने ये वीडियो कवर किया था। अन्यथा इन बेटियों की, इन लाचार या बेबस पिता होता है, जो बेटी का पिता होता है, उसकी तस्वीरें दिखाना कहीं ज़रूरत नहीं होती, लेकिन समाज में एक मैसेज जाए उसके लिए हमने ये वीडियो कवर किया। आप लोग भी इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।